नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ वैदिक ज्योतिष, धर्म, पर्व, त्यौहार, संस्कार, राशि, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि, इनके प्रभाव से बचने के उपाय, इन विषयों पर बात करता रहता हूँ। आज मैं हमारा एक जो मासिक प्रोग्राम है, मासिक कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत हम भगवान जो सूर्य हैं, जो सूर्य ग्रह जो हैं, इनका जो हर मास में होने वाला राशि परिवर्तन है उस पर बात करते रहते हैं, वो बात कर रहा हूँ। सूर्य हर माह के 15, 16, 17 के आसपास मध्य में अपना राशि परिवर्तन कहते हैं, जिसको संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है। आज मैं सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश, जो 16 नवंबर को सायंकाल 6:35 से आरंभ होगा और 16 दिसंबर तक प्रातः 9:10 तक चलेगा, वृश्चिक राशि में, इस पर बात करने जा रहा हूँ। परंतु जब भी हम सूर्य की बात करते हैं राशि परिवर्तन की, तो साथ में दो ग्रह और भी होते हैं, बुध तथा शुक्र, वो सूर्य के आगे पीछे ही चला करते हैं, तो उनका मिश्रित प्रभाव सूर्य के साथ देखा जाता है। हर लग्न, हर राशि पे वो प्रभाव पड़ता है। इस समय में वृश्चिक राशि के सूर्य में बुध भी वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे होंगे पूरे 30 दिन, और 21 नवंबर से 1 दिसंबर के मध्य थोड़े अस्त भी चल रहे होंगे, थोड़े से हिंसक होंगे। वृश्चिक राशि में बुध हिंसक होते हैं। शुक्र अपनी राशि तुला में ही भ्रमण कर रहे होंगे, जो कि एक शुभ भ्रमण होगा। परंतु इस माह में 16 नवंबर से 16 दिसंबर में मंगल का कुंभ राशि में भ्रमण हो रहा होगा, और ये शनि की अत्यंत क्रूर दृष्टि में भ्रमण करेंगे, और ये क्रूरता 20 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में तीव्र होगी। देवगुरु जो है बृहस्पति, वो वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे सूर्य और बुध के साथ, परंतु 16 नवंबर से 7 दिसंबर व्यस्त भी होंगे, जैसे तारा डूबना बोलते हैं। इस समय में सभी शुभ संस्कार जो है रुक जाते हैं, शादी विवाह, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, गृह आरंभ, व्यापार आरंभ करना, वाहन का खरीदना, वाहन का भेजना, और देव प्रतिष्ठा, मंदिर निर्माण, मुंडन संस्कार, यज्ञ पवित्र, जितने भी संस्कार हैं सभी इसमें वर्जित होते रुक जाते हैं। मैं हर लग्न के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, अब मैं आपसे कन्या लग्न के बारे में बात करना जा रहा हूँ कि कन्या लग्न पर क्या प्रभाव होगा जबकि सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे 16 तारीख को। परंतु आपका कन्या लग्न है या नहीं, इसको समझने के लिए आप क्या करें, आपका अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष, स्थान, ये सारी सूचना किसी ज्योतिष के कार्यक्रम में, प्रोग्राम में आप फीड कर दें। स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार का चित्र आ सकता है, उसमें जो बीच के 3 खाने हैं उनमें मध्यम का जो खाना है, इसमें यदि 6 नंबर लिखा है तो आप समझ लीजिए कि आपका कन्या लग्न है। 6 नंबर यदि लिखा है तो समझिए आपका कन्या लग्न है। परंतु यदि आपको अपने जन्म की सूचना मालूम नहीं है, डेट इत्यादि मालूम नहीं, तो यदि आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई है तो भी समझिए आप कन्या लग्न के जातक की भांति ही आपका जीवन हो सकता है। तो ये नाम के अक्षर हैं, उनको देख लें, इनको मैं पढ़ भी देता हूँ। ये नाम के अक्षर हैं टो, पा, पी, पू, शा, णा, ठे, पे, पो, ये नाम के अक्षर हैं, इनको देख लें। इनमें से कोई नाम का अक्षर यदि आपका है तो समझिए आपका कन्या लग्न में जन्म हो सकता है, या उससे प्रभावित आप हो सकते हैं, उससे जुड़े हो सकते हैं। कन्या लग्न पे क्या प्रभाव होगा जब सूर्य वृश्चिक राशि में भ्रमण करेगा? कार्यस्थल हो, व्यापार हो, धर्म का क्षेत्र हो, शिक्षा, विदेश व्यापार, विवाह से जुड़ी, ये सभी इन क्षेत्रों से जुड़ी शुभ यात्रा का समय होगा। शुभ योग होंगे और भाग्य में वृद्धि होगी। 18 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच का जो समय है ये अत्यधिक व्यस्त होने का होगा, श्रम अत्यधिक करना होगा, मेहनत करनी होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बड़ी होगी, अतः इस कारण अस्त ग्रहों के मिले जुले प्रभाव से भारी थकान महसूस होगी। किराए तथा अन्य प्रकार से धन स्रोतों में वृद्धि होगी। वाहन, जवाहरात, संपत्ति खरीद के और इनकी प्राप्ति के योग बनेंगे। बड़े व्यय हो सकते हैं, रुके धन की पुराने की प्राप्ति हो सकती है। अध्यात्म, धर्म, योग इत्यादि में रुचि बढ़ती है, इन क्षेत्रों में रुचि बढ़ती है।
दान और चैरिटी और धर्म स्थान में निर्माता है तो व्यय कर सकते हैं। नई साझेदारी, नई नौकरी, विवाह इत्यादि के योग बनते हैं, परंतु ग्रह अस्त होने के चलते 16 नवंबर से 7 दिसंबर में ये संभावनाएं निर्मल रहेंगी। पीठ, कंधों, घुटनों, स्पॉन्डलाइटिस इत्यादि की समस्याएं कुछ हो सकती है। कन्या लग्न से जो जुड़े क्षेत्र हैं उनमें विशेष रूप से अच्छे प्रभाव होंगे, जैसे कागज, कपड़ा, कंप्यूटर, आईटी का क्षेत्र हो, एरोनॉटिक्स का क्षेत्र हो, कला, साहित्य, संगीत, फिल्म हुआ, टीवी अवार्ड हुआ, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, इनमें लाभ अच्छे होंगे। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अधिक लाभ होंगे, परंतु कुछ जो गृहस्थ हैं उनके प्रभाव है तो कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ। दुर्घटना से प्रोटेक्शन, सुरक्षा हेतु, स्वास्थ्य से सुरक्षा हेतु, अग्नि हेतु बीमा करवाएं। हर्निया, अल्सर, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप, हड्डी रोग और स्नायु रोग से जो प्रभावित जातक हैं वो यात्रा व्यय तनाव हेतु सावधानी रखें, यानी यात्रा से बचें, ज़्यादा खर्चा करने से बचें, तनाव से बचने हेतु उपाय करें। हर्निया, बीपी, हड्डी रोग, स्नायु रोग से प्रभावित जातक यानी घर पर रहें तो अच्छा रहेगा। पन्ना, हीरा और पीला पुखराज लाइफ टाइम धारण कर सकते हैं। पन्ना सात रत्ति का स्मॉल फिंगर राइट हैंड में बुधवार को, पीला पुखराज इंडेक्स फिंगर में राइट हैंड में बृहस्पतिवार को गोल्ड में, हीरा 1 से 1.25 कैरेट मिडिल फिंगर लेफ्ट हैंड में फ्राइडे को गोल्ड में। यात्रा, विवाह, संपत्ति, नौकरी, गृह प्रवेश, गृह निर्माण और बड़ी शिक्षा में परिवर्तन या धर्म से जुड़े कोई शुभ यदि कार्य करना चाहते हैं वो सभी निर्णय 7 उपरांत तक टाल दें, उसके उपरांत लें। गणेश मंत्र हैं जैसे ओम वक्कतुंडाय हूँ अथवा ओम गम गणपते नमः। लक्ष्मी मंत्र है ओम ऐंग ह्रीं श्रीं क्लीं, या विष्णु सहस्त्र नाम का जाप रोज करें। सूर्य मंगल शनि और केतु की दशा में हनुमान मंदिर जो हैं शनि मंगल रविवार को हो सके तो अवश्य जाएं। हनुमान चालीसा 3 बार रोज करें। गुरु, शनि, सूर्य, बुध, केतु तो दान करें। गुरु हेतु चने की दाल, पीला वस्त्र, शनि हेतु काला कपड़ा, नमक, सरसों का तेल, सूर्य हेतु जो है गेहूँ तथा मसूर, बुध हेतु जो है मिश्री तथा हरा वस्त्र और ये मिश्री, केतु हेतु स्पॉटेड यानी जो धब्बेदार कंबल होता है वो दान करें। कुत्ते के लिए रोटी दान करें। सट्टे, उधार, संपत्ति बेचने के निर्णय 7 दिसंबर तक टाल दें। यदि आपको सट्टे में लाभ होता है तो भी टाल दें। आप ब्याज में पैसा देते हैं, उधार लेते देते हैं, संपत्ति बेचना, सभी निर्णय 7 तारीख तक टाल दें। धन्यवाद, नमस्कार।